नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सुमेल ग्राम पंचायत जयपुर में सरपंच अजय सिंह के नेतृत्व में सर समाज के लोगों द्वारा पूर्व में चल रही जामड़ोली में शराब की दुकान को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आम जनता का कहना है कि जामड़ोली से जयसिंहपुरा के बीच ये शराब की दुकान चलती है, जिसके नजदीक में जैन मंदिर, माता जी का मंदिर और विद्यालय भी पड़ता है। शराब की दुकान के कारण शराब पीने से युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, इसलिए शराब की दुकान का विरोध हम लोग कर रहे हैं। हम सब इसको हटाने के लिए कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि या तो इसे अनंत स्थानांतरित कर दिया जाए या इसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। प्रशासन ने यदि हमारी सुनवाई नहीं की तो प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और हम लोकसभा चुनाव में बहिष्कार भी करेंगे। ग्राम पंचायत सुमेल जामड़ोली के निवासियों ने इस बारे में जिला कलेक्टर, आबकारी विभाग के अधिकारी और कानौता थाना इंचार्ज को भी अवगत करवा दिया। अवगत कराने के बाद भी ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। निवासी केशव विद्यापीठ राजपीतों की ढाणी से बोल रहा हूँ। केशव विद्यापीठ जयसिंहपुरा खोर रोड पे शराब की दुकान है, जहाँ पे आए दिन गुंडागर्दी होती है साहब। यहाँ पे स्कूल है, देवी जी का मंदिर है, जैन मंदिर है, यहाँ आए दिन शराब माफिया गुंडागर्दी करते रहे जी। सुबह से लेकर के 24 घंटे यहाँ पे शराब की बिक्री होती है। यहाँ पे भू माफिया, शराब माफिया आतंक मचा रखा है। यहाँ की जनता, यहाँ के माँ बहन बच्चे सब दुखी है। पिछले 3 साल से हम सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक आबादी क्षेत्र है, यहाँ की जनता त्रस्त है, यहाँ पे दारू का ठेका बंद करो या कहीं अन्यत्र ले जाओ। हमने जिला कलेक्टर महोदय से, आबकारी आयुक्त से, पुलिस कमिश्नर से, हमारे आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीमान रफीक खान से, भाजपा प्रत्याशी रवि नैयर साहब से, डीओ साहब से, हमने रिटर्न में कानूता थाना इंचार्ज साहब को शिकायत दी है जी। उसके बाद भी जब इन्होंने नहीं उठाया, तब हम एक भारत से शांति प्रिय धंधा स्थल पर बैठे हैं। हम 100-200 आदमी, औरतें, पूरे ग्राम पंचायत के सरपंच साहब अजय सिंह राजावत के निर्देशन में हमने यह शांतिपूर्वक धरना चालू किया है जी। हमने कानूता थाना इंचार्ज साहब से भी रिक्वेस्ट किया, श्रीमान प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए आप ऊपर से जो भी इनकी मिली भगत है वो जयसिंहपुरा खोर रोड तक बहुत ही आबादी क्षेत्र है। यहाँ पे ये कोई लिंक रोड है, यहाँ पे बहुत ही पब्लिक का काफ़ी दबाव है, आना जाना रहता है, ताकि यहाँ पे आए दिन कई तो मौतें हो चुकी हैं। अच्छा, कई हमारे राजपूतों की ढाणी के, जाटों की ढाणी के, ग्राम बल्लूपुरा के काफ़ी युवा लोगों का भविष्य खराब हो चुका है। आए दिन यह धरने प्रसाद होते रहते हैं। कानूता थाना इंचार्ज साहब के साथ भी ऐसी वारदात हो चुकी है। हमने सभी से हाथ जोड़ के निवेदन किया है, लेकिन इनके क्या कह रहे हो आप, कानूता इंचार्ज साहब के साथ भी वारदात हो चुकी है? कानूता थाना साहब के साथ भी वारदात हो चुकी है, ठीक है। इस यही संदर्भ में यहाँ गुंडागिर्दी के चक्कर में, कब का प्रकरण है ये? तकरीबन 8 महीने पुराना प्रकरण है जी, जिसमें ठेकेदार की मिलीभगत है। अच्छा, ठेकेदार के आदमी रहते हैं यहाँ पे जी, और वो जो भी दारू पीने वाले आते हैं और उनके साथ दारू पी के उसके बाद में दंगा प्रसाद करते हैं जी, उनसे अलग से पैसे लेते हैं। ये कई दिनों से चला आ रहा है और आज की तारीख में कानूता थाना में 10 प्रकरण इसके मौजूद हैं जो चल रहे हैं। करने हम बस यही चाहते हैं कि ये या तो अन्य तो स्थान पर चली जाए या इसको बंद करा जाए, नहीं तो हम इस धरना प्रदर्शन को चालू रखेंगे। यदि यदि प्रशासन ने आपकी बातें नहीं सुनी तो आप क्या करोगे? हम धरना प्रदर्शन करेंगे, लगातार धरना प्रदर्शन के खिलाफ जाएंगे, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमने ठान लिया कि ये ठेका यहाँ से हम उठा के रहेंगे।